पकोड़ा की तैयारी चालू है पकोड़ा वाले स्टाइल में पकोड़ा। फिर वो जैसे ही निकला के मेरे पेट के स्विमिंग पूल में खपाक करके अंदर। वो पिक्चर में डायलॉग है ना, तीन तीन छे सिंगम सिंगम पिक्चर। तो देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन अपना पकोड़ा हो गया है तैयार। अरे वो गरम गरम तेल उड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीआरके फैमिली व्लॉग्स। बज गए हैं शाम के 5 और यहाँ हम कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाता हूँ क्या तैयारी कर रहे हैं। तो ये है हमारी मैडम। मैडम क्या बना रहे हो आज? मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़ा। तो ब्रेड पकोड़ा मतलब गांव में खाया था वो वाला ब्रेड पकोड़ा? हाँ, वो बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे बीट, धनिया, ये आलू। एक्चुअली रात के डिनर के लिए छोटे आलू बनाए थे, तो उसमें से इतने बचा के आलू रखे है। तो यहाँ पे देखिए तेल भी डीप फ्राई कर मतलब फ्राई करने गरम करने के लिए रख दिया है। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड पकोड़ा। ये ब्रेड भी देखिए आ गया है यहाँ पे। तो चलिए हमारा मिश्रण देखिए बाउल के अंदर, क्योंकि मैडम अचानक आपको ब्रेड पकोड़ा बनाने की याद आ गई। ऐसे ही भूख लगी थी तो मैंने सोचा चलिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू भी स्मैश करके डाले जा रहे हैं बाउल के अंदर, और फिर ये ब्रेड के अंदर मतलब फिलिंग होगी। अभी मसाला डालने की तैयारी की जा रही है। ये आ गया नमक शमक, नमक शमक, टाटा का नमक। तो टाटा का नमक डाल दिया। ये क्या है? आदू और मिर्ची की पेस्ट। ये आदू मिर्ची की पेस्ट, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्का सा जीरा पाउडर कुटा हुआ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी जल्दी जल्दी, और गरम मसाला। और गरम मसाला देखिए कितना गरम है। ओए मां, हाथ जल गया मेरा, बहुत गरम है गरम मसाला। और एकदम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, एकदम थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च, देखिए एकदम लालम लाल कश्मीरी लाल। तो चलिए अपना सारा मिश्रण मिक्स कर लेते हैं। आज खाएंगे बीट आलू मसाले वाले ब्रेड पकौड़ा क्रिस्पिनस। आज अचानक से मतलब गांव की याद आ गई, क्योंकि गांव में खाया था बहुत, पर वो चटनी भी कैसी थी। हाँ, और फ्रेंड्स इसको है ना ग्रीन चटनी नहीं, अपने सीजवन चटनी से खाना ये ब्रेड पकोड़ा। हाँ, पर नहीं गांव में तो वो मीठी चटनी थी और एक लाल वाली तीखी चटनी थी। हाँ, वो लोग का अलग रहता है। और ये ग्रीन चटनी में अच्छा नहीं लगता, ये सीजवन चटनी में ब्रेड पकोड़ा बहुत अच्छा। हाँ, ये सीजवन चटनी में अच्छा लगेगा। और बेसन नहीं लेना है इसमें, वो चावल का आटा हो, क्योंकि वो क्रिस्पी बनता है। चावल का आटा और मैदा। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए रेसिपी। हाँ, को यहाँ पे और एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये बीट डाला है तो वो स्वीट लगेगा पर टेस्ट भी उतना ही आएगा। बीट ही चाहिए, ये ब्रेड पकोड़ा जो बना था ना उसमें बीट ही चाहिए। हाँ, बीट और आलू। अपना मिश्रण हो गया है रेडी और तेल भी एकदम ठाड़क गर्म हो गया है। और हमारे राजकुमार साहब आ गए है थके पारे कॉलेज से, तो सीधा आके हाथ मुंह भी धोने का नहीं, सीधा पानी पी लेने का गटर गटर। और मैडम ने देखिए फ्रिज में से खजाना निकाल दिया है। ये है मैदा और ये उसका भैया तेदा चावल का आटा। यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा की तैयारी चालू है, मसाला ब्रेड के अंदर। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कटिंग एकदम पकोड़ा वाले स्टाइल में पकोड़ा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सैंडविच के हिसाब से ऐसा कट कर दिया है। फिर हमारी मैडम उसको ऐसा बेसन बेसन बैटर में लपेट के सीधा डीप फ्राई, और सीधा तेल के स्विमिंग पूल के अंदर। फिर वो जैसा ही निकला के मेरे पेट के स्विमिंग पूल में खपाक करके अंदर। और एक हमारी मैडम जो है वो तुरंत ही उड़ जाएगी, अभी तो फिलहाल शांत बैठी है। देखो, नाम लिया और देखिए शैतान हाजिर। सीता ने वो, अरे वो कहावत है कि नाम लिया और शैतान हाजिर, तो सीधा उठ गई वो। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। ओ मैडम, हेलो हेलो, और एक दे दीजिए। तो तीन तीन छे, वो पिक्चर में डायलॉग है ना, तीन तीन छः सिंगम सिंगम पिक्चर। तो चलिए यहाँ पे तीन तीन छः अपना हो गया है।
और मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। पकौड़ा बनाने की स्टार्ट हो गई है और तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है और बैटर भी रेडी है। ये गया हमारा पहला पकौड़ा, अम्मा पकौड़ा। तो देखिए कितना लाजवाब पकौड़ा है, इतनी बड़ी तो कढ़ाई है। एक्चुअली ये कटिंग नहीं करना था, पर मैं बोलती हूँ उनको, पर इसने बोले, अरे भाई कटिंग कर लिया। मुझे अक्का ही रखना था ब्रेड, मुझे ऐसा लगा कि कटिंग करना है इसलिए मैंने कटिंग कर दिया। बाकी मेरा कोई ऐसा इंटेंस नहीं था कि कटिंग करना है या नहीं करना है। अभी अपने बॉम्बे के स्टाइल में कैसे पकौड़ा था वैसे, बाकी गांव में तो स्क्वायर ही मिलता है। जरा शेफ साहब आपका हाथ निकालेंगे, हाँ थोड़ा पकौड़ा दिखना चाहिए हमारे दर्शकों को। ये क्रिस्पी तो बहुत ही बनेगा, ये क्रिस्पी, हाँ मजा आएगा खाने को। तो चलिए फटाफट दो पकौड़ा तल के बाहर निकल लेंगे, फिर कर लेंगे थोड़ा टेस्टिंग वेस्टिंग। बाबा क्यों मैडम, टेस्टिंग कर सकते हैं ना? टेस्टिंग खाई लो ना, गर्मा गर्म बना। अरे तो आपको चाय चाय, हाँ, चाय तो पकौड़ा भी चाय जैसे शाम बन जाए। क्यों मैडम, कैसा रहा हमारा डायलॉग? अच्छा रहा, बढ़िया तो, रहा। पकौड़ा तो यहाँ पे देखिए ढेर लग गया है, सिर्फ मेरे को ऐसा वो लारी लेके जाना है पकौड़ा पकौड़ा वाले। क्यों मैडम, करेंगे अपन पकौड़ा का बिजनेस? नहीं, मेरा बिजनेस अच्छा है पार्लर का। तो मैं और दिव्या करेंगे पकौड़ा का बिजनेस। मैं आप अकेले ही करो। नहीं यार, कोई हेल्पर तो चाहिए मुझे। क्यों फ्रेंड्स, क्या बोलते हो आप? दिव्या दूध ले आओ, कोई हेल्पर तो चाहिए कि नहीं पकौड़ा का बिजनेस करने के लिए? फिर ये तो अकेला मैं ही पकौड़ा बनाऊं, मैं ही बेचूं, लारी को मैं ही धक्का मारूं। एक जोक, हंसी मजाक। क्यों मैडम, जीवन में हंसी मजाक करना चाहिए। तो हमारे घर में तो रोज ही हंसी मजाक हो रहा है जीवन। अरे इसको फास्ट तो कीजिए तो धड़ाधड़ हो जाएगा ना पकोड़ा। तो ये छोटे छोटे थे, अब ये पूरा अखा वाला तलेंगे। और ये छोटे छोटे देखिए क्या क्रिस्पी और क्या कलर आया है, गोल्डन ब्राउन। क्यों मैडम, आज तो हमारी मैडम कुछ अलग ही है। नाश्ता पानी खिलाने में और फ्रेंड सही बोलूं कि खाना बनाने में, खाना खिलाने में मैं बहुत खुश। क्या बोलते हैं अभी तो फ्रेंड्स हमारे, देखिए हम खाते पीते करके लग रहे हैं। देखिए और मैं इतना मतलब खुश नसीब हूँ कि एक से एक बढ़िया वैरायटी मतलब ये बना के खिलाती है, एक से एक बढ़िया वैरायटी। टाइम हो या ना हो करना चाहिए, एक से एक बढ़िया। अरे उसको ला, इधर इधर लगा। अरे वो गरम गरम तेल उड़ा। ये तेल से तो मुझे लंबा ही रहना पड़ेगा, थोड़ा तेल और मेरी दुश्मनी है। मैडम की ख्वाहिश पूरी हो गई। क्यों मैडम, आपको ये अखा तलना था? मैंने तो, मुझे पता है कि ये पूरा ही ब्रेड को पूरा ऐसे करना है आपने, फिर उसको मतलब सैंडविच जैसे काटेंगे। मैंने सोचा जाने दो आपके साथ क्यों कर करूं, आप जैसे करते हो ऐसे करूं, मैं जैसे करते हो, दोनों का खुश, आधा तुम्हारा आधा मेरा, करके बना लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, पति का इतना सम्मान। ओ भाग्य हमारे, ओ भाग्य हमारे, पति को इतना सम्मान मिल रहा है, ओ भाग्य। खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा। उसी बात पे आप चाय बनाइए। अरे वो आप बनाओ, क्योंकि इतने दिन से मतलब आप बना रहे हो, परफेक्ट बना रहे हो। मैं बनाता हूँ ना तो फ्रेंड्स एकदम पतली पतली पानी वाली चाय होती है और इनको पसंद नहीं आती है, ये पीते एकदम गाड़ी गाड़ी। हमारे राजकुमार आ गए है दूध लेके, वो भी देखिए कपूर डेरी में से गोकुल का दूध। शाबाश पुत्र शाबाश, हम तुम्हें ताम्रपत्र देंगे आपके इस बहादुरी के किस्से पर। तो ये चलिए हो गया अपना ये भी। तो देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन अपना पकोड़ा हो गया है तैयार। तो अभी सब बना लेती हूँ फ्रेंड्स और गर्मा गर्म चाय भी मैं रख देती हूँ, इलायची वाली, उसके बाद आपको इलायची कोट के वाली चाय के चाय। और ये दिव्य पकोड़ा खा रहा है, देखिए।
तो यहाँ पे अपना नाश्ता हो गया है एकदम रेडी फर्स्ट क्लास। देखिए आप पकोड़ा देख सकते हैं एकदम कितने गोल्डन क्रिस्पी है। ये है शेजवान चटनी और ये पकोड़े शेजवान चटनी के साथ ही खाए जाते हैं। और ये रही गर्मा गर्म चाय और पसीने से लथपथ हमारी बेबी क्योंकि बहुत मेहनत कर दी पकोड़ा बनाने के लिए। तो चलो अभी टेस्टिंग करते हैं पहला निवाला हमारे व्यूअर्स के लिए गर्मा गर्म। देखिए धुआं निकल रहा है। आप लोग आइए हमारे साथ गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा खाने खाइए। और ये जो स्टाइल है ना ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। हाँ, पे। तो मैं भी चलो अभी चख लेता हूँ गर्मा गर्म। ये तो अब ऐसे खाएंगे ऑसम। तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं क्योंकि हम बिजी हो जाएंगे। अभी ये खाने में एंजॉय करते हैं। मिलते हैं कल नए व्लॉग। तो आप हमारे व्लॉग एंजॉय कीजिए। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल जो है वीआर के फैमिली व्लॉग्स। फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा, आपके जितने लाइक्स उतने मतलब हमको खुशी मिलेगी। पकौड़ा